सिर्फ ना की है तो अपना जरा उद्घाटन लॉन्चिंग की सलून का की कुछ की कहना चाहोगे? साडा सलून नकआउट नाम तो है जो कि पूरे इंडिया साढ़े को मास्टर फ्रेंचाइजी है। ये साड़ी सिक्स्थ ब्रांच है। इस तो पहले असी पटियाला जीरकपुर पंचकूला लुधियाना सिरसा सारे कितने अवेलेबल है तो हम मोहाली असी स्टार्ट किया है। एक लग्जरी सलोन असी डेवलप कर रहे हैं इंडिया दे विच यूके का ब्रांड है ये। बिल्कुल, क्योंकि सलोन का असी बहुत देखे हैं पर लग्जरी जिहड़ा वर्ड तुसी इस्तेमाल कर रहे हो लग्जरी की कुछ है कि इस तरह लग्जरी की है इन्हों मन्ने लग्जरी की है लग्जरी जिस कि तुसी साढ़े सलोन चैंटर हो तो तुहानू लगे कि यस असी कितने आए हैं। इट्स अ लग्जरी लग्जरी प्रोडक्ट्स लग्जरी फील लग्जरी प्लेस एवरीथिंग। कोविड तो बाद मतलब कि हुण नवा एक सारा कुछ दोबारा अपने ट्रैक पर आ चुके हैं जी। तो मोहाली किस तरह के सलोन के कारोबार में देखते हो तुसी एज अ बिजनेसमैन? असी बड़ा अच्छा देखते हैं और बड़े हाईजीन जैसे करोना तो बाद असी बड़ा हाइजीन प्रॉपर सिस्टम फॉलो कर रहे हैं और मतलब सिंगल सिंगल सर्विस प्रॉपर हाइजीन नू लेके ध्यान नू लेके कर रहे हैं। लोग ए टू जेड एवरीथिंग इज अवेलेबल। मॉर्निंग 9:30 टू इवनिंग 9:30। जिमें कि साडा सलोन लग्जरी है मोहाली दे लोग भी लग्जरी ने उन्होंने असी ये लग्जरी सलोन खोले है और मोहाली बड़ा अच्छा सिटी है और सानू बड़ा उम्मीद है कि इतने बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा और लोग लाइक करेंगे। देखो साड़ी जो सर्विसेज है वो सारिया होरां नालों अलग ने। असी अपनी सर्विसेज लई एक्सपर्टीज है साड़ी जो कि लोग भी करते हैं असी भी करते हैं लेकिन जो साढ़े को आता दोबारा साढ़े को ही आता है। असी अपने लिए श्योर हैं कि साड़ी सर्विसेज बेस्ट टू बेस्ट है मार्केट। असी इस टाइम इंट्रोडक्टरी 50% ऑफ चल रहे प्लस साड़ा जिहड़ा कलरिंग समूदनिंग हाईलाइटिंग है 3299 चल रहे इस टाइम। क्या कुछ कहना चाहते हो नॉकआउट के बाद से? सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। माय नेम इज मैडी ठाकुर एंड आई एम द जनरल मैनेजर। सो अगर हम नॉकआउट की बात करें सो कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग की हम बात कर रहे थे। सो अगर आप मोहाली की बात करते हैं मोहाली एज अ कैपिटल ऑफ पंजाब एंड मोहाली के जो लोगों का स्टेटस है और जो रिक्वायरमेंट है नॉकआउट टोटली उसको मैच करता है। एंड अगर हम कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग की बात करें कि यहाँ भी यहाँ पे और भी बहुत सारे सलोन हैं। सो देखो सलोन के अंदर सर्विसेज सेम होनी है जो कि सर्विसेज सब सलोन प्रोवाइड करते हैं। अगर हम अपने स्टैंड की बात करें सर हमारा एक्सपर्टीज स्टाफ है ठीक है दे आर सर्टिफाइड दे हैव यू नो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट जो होती है एक इंडस्ट्री की उतना उनको एक्सपीरियंस है एंड दे आर सर्टिफाइड फ्रॉम आर यू नो यूके ट्रेनर्स। और अगर हम बात करते हैं हमारी नॉकआउट की ठीक है सो हमारे यहाँ से जो भी कस्टमर सर्विसेज करवा के जाते हैं दे टेक द नॉकआउट एक्सपीरियंस विद दैम। क्योंकि सर सर्विसेज आप कहीं से भी ले सकते हो बट जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है ना दैट मैटर्स। क्योंकि बाकी सलॉन्स भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे हमारे पास कस्टमर क्यों आएगा अगर उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल मैच नहीं है। सर नॉकआउट सर देखो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सर हम अगर सलोन इंडस्ट्री के अंदर आए हैं तो वी वांट के हम बाकी सलोन्स को नॉकआउट करें ठीक है। वो किस तरह से करेंगे वी आर नॉट कंपीटिंग वी आर कंपीटिंग इनटू सर्विसेज एंड द क्वालिटी कि हम कस्टमर्स को इतनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे कि ऑटोमेटिकली जो उनके मिथ्स हैं क्योंकि अगर सलोन की बात करें सलोन्स को लेकर बहुत सारे मार्केट के अंदर रूमर्स भी हैं कि ये सर्विस करवाएंगे तो ऐसा हो जाएगा वो सर्विस करवाएंगे तो नहीं करवाना चाहिए कलर नहीं करवाना चाहिए स्मूथिंग नहीं करवाना चाहिए। सर हम उन्हीं सारे के सारे मिथ्स को बस्ट करने के लिए आए हैं। और अगर कस्टमर्स के हम इंक्वायरीज की बात करते हैं या फिर उनके क्वेश्चंस की बात करते हैं वी आर टोटली ओपन। हमारी आप कभी भी एक्सपर्ट्स को कॉल करके आप कंसल्टेशन ले सकते हैं या फिर यू कैन विजिट एनी ऑफ द सलोन। वी हैव टोटली 6 सलोन्स इन टू इंडिया एंड अपकमिंग हमारे काफ़ी सारे वेंचर्स हैं जो कि यू नो एंड ऑफ दिस ईयर हमारे आ जाएंगे।
तो आप किसी भी हमारे सलोन के अंदर विजिट कर सकते हैं. यू कैन यू नो देर इज़ नो चार्जेस फॉर द कंसल्टेशन. दे कैन टेक द एनी कंसल्टेशन फ्रॉम एनी ऑफ द आर एक्सपर्ट्स. जैसे यहाँ पर बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, अगर वो कोई और बिजनेस करते हैं, हट के करते हैं, सलोन नहीं है, कुछ और करते हैं, उनसे हम लोगों ने कई बार एक सवाल या सुनते हुए देखा है, पूछते हुए भी, वो कहते हैं यार खर्चा तो निकलता नहीं, हम तो दुकान बंद करने के कगार पर होते. सलोन में ऐसी क्या खासियत है कि यार इतना बड़ा आपने एरिया ले लिया, सर देखो फिर भी सक्सेस हुआ? सर अगर हम ऐसा क्या है कि हर कोई फिर सलोन करना चाहिए आपके हिसाब से? सर सलोन इंडस्ट्री की बात करें ना, एक टाइम था जिस टाइम पे ना सलोन से रिलेटेड लोग ही सलोन का काम करते थे. लाइक अगर कोई बाबर है तो वो बाबर शॉप ओपन करते थे, अगर कोई ब्यूटी में एक्सपर्ट है तो अपना ब्यूटी पार्लर ओपन करते थे. काफ़ी टाइम के बाद में सलोन इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो गया. सर सलोन आने के रीज़न ये है बिकॉज है ना, सब चाहते हैं कि हमें क्वालिटी हाइजीन सर्विसेज प्रोवाइड हो, जिसके लिए एक सलोन इंट्रोडक्शन हुई थी. और अगर हम हमारी उसकी बात करते हैं सर, आप भी अगर कोई भी एक्सपर्ट है, दे डोंट हैव, क्योंकि स्किल पर्सन जो होगा सर, दे आर नॉट दैट मच कैपेबल कि वो इतना अच्छा सलोन ओपन कर सकते, ठीक है. सो वहाँ पे ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट मैटर करती है सर. आपकी सारी सर्विसेज, एक कस्टमर एक्सपीरियंस के अंदर सर्विस इज़ अ स्मॉल पार्ट, रेस्ट एक्सपीरियंस इज़ लाइक हाउ पीपल आर ट्रीटिंग द डे दे आर कमिंग इन टू सलोन, ठीक है. अंदर आए हैं, एटमोसफेयर कैसा है सर, यू नो आपका आपका जो भी आने के बाद में सर सर्विसेज होनी है, जहाँ जिस चेयर पे आप बैठने वाले हो वो कितनी कंफर्टेबल है, कितनी हाइजीन है, सर्विसेज आपको किस तरह से प्रोवाइड की जा रही है, डिलीवरी किस तरह से हो रही है, स्टाफ आपको किस तरह से ट्रीट कर रहा है, आपको रिफ्रेशमेंट के लिए किसी ने पूछा नहीं पूछा, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं सर. हेयर कट तो आपने करवाना ही है, आप पिछले 20 साल 25 साल आई थिंक 30 साल से वो करवा रहे होंगे, बट मैटर क्या करता है सर, आपका एक्सपीरियंस. वो एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों के कारण, वो हमने भी देखा है. यस, हमें भी मतलब अच्छा, हम आपको कहेंगे पॉजिटिव बहुत बढ़िया रहा. यस सर. लेकिन क्या होता है कि जब आपके पास ऐसे कस्टमर आते हैं तो एक तो सबसे पहले आपके पास कस्टमर स्टाफ कितना है, स्टाफ कितना है आज की डेट में? सर अगर मैं हमारे एक्सपर्ट्स की बात करूँ, वी हैव मोर देन 50 स्टाफ, ठीक है. और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमारे पास और एड ऑन्स होते रहेंगे, बट डिपेंड्स कि हाँ कस्टमर्स का कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है. अच्छा, कोई कल को अगर घर पे कोई सर्विस वगैरह ऐसा कुछ लेना चाहता तो उसके लिए है आपके पास? सर अगर हम बात करें कोविड के टाइम पे, जहाँ जिन कस्टमर्स ने हमें हेल्प किया है यहाँ तक पहुँचने में, हमने उन सभी कस्टमर्स को होम सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, बिकॉज दैट वाज द टाइम जिस टाइम पे कस्टमर्स हमारे पास नहीं आ सकते थे बिकॉज सलॉन्स वर क्लोज्ड. दैट वॉज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करें. उस टाइम पे हमने होम सर्विसेज प्रोवाइड करी थी, बट हाँ सलोन इज़ द राइट प्लेस टू टेक द सर्विसेज, बिकॉज घर पे आप वो सर्विसेज और वो कंफर्ट जोन क्रिएट नहीं कर सकते हो, क्योंकि दैट इज़ अ पर्सनल स्पेस एंड दिस इज़ अ प्रोफेशनल स्पेस, जहाँ पे आपको ईच एंड एवरी थिंग के लिए वी हैव डिफरेंट एक्सपर्टीज एंड वी हैव लॉट्स ऑफ यू कैन से इक्विपमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ कर सकते हैं. हम सारी चीज़ों को लेके नहीं जा सकते क्योंकि सर हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट हर टाइम चेंज हो जाती है. एक आखिरी सवाल है कि आपने मोहाली में जो ये खुला है सलोन, कौन सा मतलब कि कौन-कौन अपना सलून है वो खुला है आपने बता दीजिए, और दूसरा कौन से सेक्टर में है मोहाली को? सर दिस इज़ आर यूनिसेक्स सलून. वी हैव ओपन दिस इन सेक्टर 79 मोहाली ऑन एयरपोर्ट रोड. और अगर हम यहाँ की सर्विसेज की बात करें सर, वी हैव हैड टू डू ऑल द सर्विसेज रिलेटेड टू हेयर, ब्यूटी, एस्थेटिक्स अगर हम बात करते हैं, हाइड्रा फेशियल्स, लेजर, एंड वी हैव इन हाउस आर मेकअप स्टूडियो, वी हैव इन हाउस नेल बार. सो आपको किसी भी तरह की कोई भी सर्विस की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास सभी तरह की सलोन रिलेटेड सर्विसेज अवेलेबल है. यू कैन से दिस इज गोना बी द वन स्टॉप डेस्टिनेशन ऑफ ट्राई सिटी वेरी सून, यू नो विद द हेल्प ऑफ डेफिनेटली कस्टमर्स एक्सपीरियंस. मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए कहूँगा, यू जस्ट विजिट, टेक अ सर्विस एंड जस्ट गिव अस अ फीडबैक, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग. छोटा सा सवाल आपसे और कर लेते हैं, लॉन्चिंग के टाइम पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई सेलिब्रिटी बुलाते हैं, कुछ और बुलाते हैं, लेकिन आपके पास ऐसा कुछ नहीं? सर देखो, हमारे लिए सेलिब्रिटीज हमारे कस्टमर्स हैं, ठीक है. क्योंकि अगर मैं एक बात करता हूँ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की, सर प्रमोशन के लिए मैं पे करके बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बुला सकता हूँ, वो आएंगे हमारे बारे में अच्छा बोलेंगे. शायद कुछ जगहों पे ये चीज़ें वर्कआउट भी करती हैं कि सेलिब्रिटीज़ को बुलाने से लोग आते हैं, बट सर वो लॉन्ग लास्ट नहीं होता. वहाँ पर क्या होता है, कस्टमर्स ही, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है ना सर, आप 50 लोगों को जाके ये चीज़ बताओगे कि हाँ जी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, प्लीज़ जाना है तो वहाँ जाना.
बट एक सेलिब्रिटी वो चीज़ नहीं करेगा. सेलिब्रिटी सिर्फ एक बार आएंगे, एक बाइट देंगे, दैट्स इट, दे विल टेक देयर जो भी उनका चार्जेस हैं और उसके बाद में वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा. अगर मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड होता है यहाँ से सर्विसेज लेने के बाद में, तो ऑटोमेटिकली सब वो अपने फ्रेंड सर्कल को भी बताएंगे और वो भी. सो फॉर अस आर कस्टमर्स आर आर सेलिब्रिटीज. थैंक यू.